हेलो स्टूडेंट्स, माइसेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अच्छा, इतने सारे एलिमेंट हैं, हम इसके बारे में ही क्यों बात करते हैं? देर आर मोर देन 100 एलिमेंट, 108 एलिमेंट्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और हम केवल कार्बन के बारे में इस चैप्टर को दिया गया है हमारे सिलेबस में, क्यों ऐसा हुआ है? चलिए, इसको समझने से पहले यहाँ कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप सुबह जब सो के उठते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम टूथपेस्ट, योर फूड मटेरियल, योर कप, योर क्लोथ्स, कपड़े, फ्यूल्स, जो कुछ भी हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, सुबह से लेकर शाम तक, बहुत सारी चीज़ों से, इसमें से बहुत सारी चीज़ों में कार्बन या उसके कंपाउंड हुआ करते हैं। जैसे टूथपेस्ट की मैं बात करता हूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। अगर मैं फ्यूल की बात करता हूँ तो मेथेन इज वन ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बायोगैस। ब्यूटेन C4H10 नाम का एक कंपाउंड होता है, ब्यूटेन कहते हैं उसको, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ कंपाउंड है। वो हमें LPG के का वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट हुआ करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में, उनमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन। चलिए और चीज़ों को छोड़िए, हमारा बॉडी जो बना हुआ है, मोर देन 70% ऑफ बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ वाटर और कार्बन। कार्बन डायरेक्ट नहीं है, किसी और कंपाउंड के फॉर्म में है। तो कार्बन हमें कहाँ से मिलता है? कंपाउंड के फॉर्म में होगा या प्योर कार्बन के फॉर्म में होगा। अब कैसे पता करें किसी कंपाउंड में कार्बन है कि नहीं है? अब देखिए, सिंपल सा तरीका है इसका। जैसे मान लीजिए मैंने आपको मीथेन दे दिया, मैंने आपको ग्लूकोज दे दिया, है ना, कोई भी कंपाउंड दे दिया मैंने, अगर उसमें कार्बन है, और अगर इसको मतलब है कोई कार्बन वाला कंपाउंड है, उसको अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दिया जाए, आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए जिसमें कार्बन होता हो, कार्बन इटसेल्फ, अगर O2 है, कार्बन अगर है उसमें, तो देखिएगा इन सब कंपाउंड को अगर आप बर्न करते हैं तो ये पक्का है CO2 रिलीज करेगा, साथ में कुछ और चीज़ें भी आएगी, CO2 जरूर रिलीज होगा। आप यहाँ पर ब्यूटेन ले सकते हैं, आप यहाँ पर पेट्रोल ले सकते हैं, ब्यूटेन मैंने लिया है, ये कंपाउंड हुआ करता है C4H10 नाम से, है ना। आप कोई भी हाइड्रोकार्बन लेंगे, कोई भी कार्बन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो CO2 जरूर बनेगा, और इसमें केस में शायद H2O बनेगा, यहाँ पर कुछ और नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? बिल्कुल यहाँ पर क्या बनेगा सर? यस, H2O। ये तो हमारा रिएक्शन है जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज हम जो लेते हैं फूड के मटेरियल में बर्न होता है और CO2 रिलीज करता है। तो किसी फूड मटेरियल में, किसी कंपाउंड में, कंबस्टिबल सब्सटेंस में अगर कार्बन है तो कैसे पता करेंगे उसमें कार्बन है? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कैसे पता लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं, CO2। यहाँ पर सेक्शन में आप यहाँ H2O लिख सकते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो CO2 और H2O ही बनेगा, ये पक्का हो गया है। हालांकि ग्लूकोज है, हाइड्रोकार्बन नहीं है, फिर भी ये CO2 और H2O ही रिलीज करता है, साथ में हीट रिलीज करता है, वो मैंने लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है वो, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपाउंड है अगर उसमें कार्बन है और वो बर्न हो रहा है तो पक्का है CO2 रिलीज करेगा या CO रिलीज कर सकता है। अच्छा, CO2 रिलीज करता है तो कैसे ये हमारे क्या काम आएगा? यस, ये CO2 हमारे काम में आने वाला है। क्या? यू कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2 बाई पासिंग इट इन द कैल्शियम। कहाँ पास करेंगे? ये एस क्विक, है ना, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इसको पास कर देते हैं, लाइम वाटर कहते हैं इसको। इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर इसमें पास कर दिया जाए तो कैसा हो जाएगा? बोलो यार, बिल्कुल ये हो जाता है मिल्की। ऐसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपने याद हुआ आपको तो किसी कंपाउंड में कार्बन है कि नहीं है, किसी कंबस्टिबल कंपाउंड में कार्बन है कि नहीं है कैसे पता करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दिया जाए, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दिया जाए तो CO2 बन जाएगा, और उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसको कहते हैं लाइम वाटर, और लाइम वाटर में पास कर दिया जाए तो वो मिल्की हो जाएगा। इसका मतलब पक्का है कि CO2 रिलीज हो रहा है, और लाइम वाटर का मिल्की होना ये बताता है कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो जल रहा था वो जरूर कार्बन है उसमें या कार्बन का कंपाउंड है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि कार्बन को हम पहचानेंगे कैसे कि किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस में, जलने वाले सब्सटेंस में कार्बन है या नहीं है। आगे चलते हैं, इसके अकरेंस और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे हमने अभी जो बात किया कार्बन के बारे में, तो देखिएगा आप कार्बन का परसेंटेज 0.02% लगभग ये किस फॉर्म में है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोलियम, है ना। पेट्रोलियम का मतलब क्या हो सकता है? डीजल, पेट्रोल, सब पेट्रोलियम के कैटेगरी में आते हैं। पेट्रोल बस नहीं, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, ये सब पेट्रोलियम की कैटेगरी में आते हैं। और आप क्या हो सकता है इसमें? कार्बोनेट के जितने भी सॉल्ट हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको आप बाई कार्बोनेट भी कहते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट का
के फॉर्म में है, है ना। कहाँ पर है ये? अर्थ के सरफेस पर है ये। कार्बोनेट के फॉर्म में है, कैल्शियम कार्बोनेट लाइम, जिसको आप कहा करते हैं कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। चाक और मार्बल्स, चाक और मार्बल्स का दोनों का फार्मूला यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ करता है, है ना। कार्बोनेट केवल कैल्शियम का ही नहीं, ये हो सकता है सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट एबंडेंट है, मतलब पर्याप्त मात्रा में है। कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली ये चॉक और मार्बल दोनों का फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है, फिर समझिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट इज द फार्मूला ऑफ चॉक एज वेल एज मार्बल्स, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है मार्बल में, वो प्रॉपरली उसका अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल थोड़ा अलग होता है, है ना। और जो चॉक होता है, चॉक का अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अलग होता है, लेकिन दोनों बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। खैर, मैं तो कार्बोनेट की बात कर रहा था, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार्बोनेट के फॉर्म में है कोई भी मेटल का कार्बोनेट, जैसे सोडियम पोटेशियम, सोडियम कार्बोनेट है तो वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, है ना, आपको याद आ रहा होगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल याद करिए, यस, ये बिल्कुल वही है जो आप सोच रहे हैं। बोलिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो बेकिंग सोडा हो जाएगा, है ना, ऐसे बेकिंग पाउडर भी बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, से कहने का मतलब क्या हुआ, ये सब डिफरेंट फॉर्म है जिसमें कार्बन मिला करता है, 0.2% ऑफ कार्बन इस फॉर्म में अवेलेबल है, फ्यूल के फॉर्म में भी कर सकते हैं आप इसमें से, है ना। फ्यूल जितने भी हैं, ज़्यादातर फ्यूल में, स्पेशली कार्बन वाले फ्यूल जो बर्न होते हैं, सब में कार्बन हुआ करता है। आगे चलते हैं, 0.03% एटमॉस्फेयर में जो है वो एयर में है, इन द फॉर्म ऑफ एयर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, दैट इज 0.3% ऑफ CO2 के फॉर्म में है। कहने का मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इतना कम है, फिर भी हमारे डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा रिलेटेड है। अच्छा, एक बात है, अब आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि इतने कंपाउंड तो हैं, फिर कार्बन में ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे कंपाउंड बनाया करता है। चलिए, इसके पीछे हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ इसकी केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। अब इसकी केमिस्ट्री आ गई, भाई कैसे केमिस्ट्री, देखिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। मैं यहां पर लिखता हूं कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर हुआ करता है 6, एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक मास को ऊपर लिखा जाता है, मास से यहां कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, यस, यहां पर के सेल होता है, एल एम, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद हो तो, है ना, क्लास 9th में पढ़े होंगे आप लोग, यस। अब कार्बन की मैं बात करता हूं, कार्बन के फर्स्ट सेल में हुआ करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यस, और सेकंड सेल में कितने होंगे, बोलिए 6 है तो पहले में 2 और दूसरे में 4। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक मास से कोई मतलब नहीं, भले आप इसको मिटा दें, आपको डाउट ना क्रिएट हो जाए, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट और एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में होंगे, फर्स्ट सेल में, है ना, इसका सेल आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकंड ऑर्बिट है, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है और इसके पास 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में है। अब क्या करते हैं, इसके पास दुनिया का हर आदमी स्टेबल होना चाहता है, है ना, तो ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। नियरेस्ट नोबल गैस का मतलब क्या होता है, देखिएगा, हीलियम, हीलियम का एक नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, है ना, कॉन्फ़िगरेशन भी 2 होता है। हीलियम के बाद कौन आता है, नियॉन, इसका कंफ्यूजन होता है 2, 8। आर्गन, ये क्या होता है, 2, 8, 8। आप देखिए, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 10 और एटॉमिक नंबर 18। जो एटॉमिक नंबर 2 के आसपास हुआ करते हैं नंबर के हिसाब से, वो हीलियम जैसा बनना चाहते हैं, जैसे हाइड्रोजन वो हीलियम जैसा बनना चाहता है। जो एटॉमिक नंबर 10 के आसपास वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे कार्बन है तो कार्बन 10 के आसपास है, हालांकि कार्बन 2 के आसपास भी है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो क्या करेगा, या तो ये ऐसा बनना चाहे कार्बन, या तो ऐसा बनना चाहेगा, दो ही ऑप्शन है इसके पास। फिर से सुनिएगा, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर हुआ करता है, या तो हीलियम जैसा बनना चाहेगा और या तो नियॉन जैसा, मतलब आप जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो वो 7 नाइट्रोजन कैसे भी करके नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनना चाहेगा। तो नियरेस्ट नोबल गैस बनने के लिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि क्या करते हैं, बताओ, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ पर, फिर लिखते हैं। तो नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। कैसे भाई, देखिए तो याद करिए, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन एक दो, इसका कन्फिग्रेशन होता है एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1 कन्फिग्रेशन होता है, और सोडियम ने क्या किया, 2, 8, मतलब नोबल इसका 11 नंबर है, तो इसके पास में कौन सा नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है,
तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऐसा बनना चाहेगा और इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2-8 हो जाएगा। तो ये कैसे गेन कर रहा है नोबल गैस कन्फिग्रेशन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 287, एटॉमिक नंबर 17 होता है ना। अभी क्या करेगा, अरे यार ये कुछ नहीं करेगा, सिंपल सा इसके पास ऑप्शन क्या है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन दे या 1 ले ले। तो ये क्या करेगा, ये बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन ले करके Cl- बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो वहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब नेगेटिव चार्ज गया है। कहने का मतलब क्या हुआ यार, 288 हो गया कन्फिग्रेशन। सर ये क्या है, क्लोराइड है। सर ये हुआ क्या है एक्चुअली, अरे भैया क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, उसके पास में कौन सा नोबल गैस है, याद करिए बिल्कुल आर्गन है उसके पास में। तो ये आर्गन जैसा बनने की कोशिश करता है कैसे भी इलेक्ट्रॉन ले करके या दे करके, यहाँ पर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले करके नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बन गया है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को दे करके नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बन गया है। कैसे सर, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो सोडियम नियॉन जैसा बनना चाहता है। कैसे बना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या गेन करके नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बन जाएगा। अच्छा तो कार्बन कैसे बनेगा, चलिए कार्बन को पहचानते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर ये के सेल है और ये एल सेल है, तो कार्बन के पास ऑप्शन क्या है, देखिएगा कार्बन क्या करेगा, हाँ एटॉमिक नंबर 6 है। अब कार्बन क्या करेगा, देखिएगा अगर कार्बन एटॉमिक नंबर क्या है भाई, 2-4 है। कार्बन क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बनाएगा, C⁴-, इसको कार्बाइड आयन कहेंगे। फिर से सुनिएगा, C⁴- कैसे हो गया सर, क्योंकि इसने 4 नेगेटिव चार्ज को गेन किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव आयन बनाएगा, कार्बन एनायन बनाएगा। अच्छा अब ऐसा ये क्यों नहीं कर सकता है, देखिएगा यहाँ पर देर आर 6, एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, तो इसमें क्या होते हैं, देखिएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वह तो बताओ यार जल्दी से। देखिएगा इसकी मैं बात करता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 है, और प्रोटॉन कितने होते हैं, बोलिए भाई 6। किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। अब आप यहाँ ऐसा कर देते हैं, इसकी बात मैं करता हूँ, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 2-8 हो जाएगा, 2-4 था, 4 इलेक्ट्रॉन ले करके 2-8 बन गया है, तो क्या करेगा, जब अभी 2-8 हो जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, जल्दी सोचिए, बिल्कुल 10 हो जाएंगे, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, केवल 6 ही रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द कार्बन टू होल्ड द 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन बाई द 6 प्रोटॉन 6 पॉजिटिव चार्ज के द्वारा 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों सर, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था ऐसा, यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, अगर आप बाहर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ 8 कर देता हूँ यार, चलिए ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो प्रोटॉन उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। भाई किसी एटम में इलेक्ट्रॉन क्यों रुके रहते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, पी फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन माने पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, चक्कर लगा रहे हैं भैया किसके, न्यूक्लियस के, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड द प्रोटॉन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, बोलिए यस, देखिए मैग्नेट को यूज़ करके आप ना छोटे छोटे स्मॉल आयरन नेल को उठा सकते हैं, है ना, कहीं आयरन नेल गिरे हुए हैं, लोहे की कील गिरी हुई है, तो आप सिंपल सा आयरन का टुकड़े को उठाने के लिए एक मैग्नेट यूज़ करेंगे और ले जाएंगे पास में, तो उसको उठा लेगी कील को। लेकिन अगर आपने 100 कील इकट्ठा कर दिया है और मैग्नेट को पास में लाए हैं, तो क्या उस कील को उठा पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा, उतने सारे आयरन नेल को अट्रैक्ट कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भैया 10 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी होल्ड बाई प्रोटॉन, या 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, सो दैट C⁴- कार्बन कैन नॉट टेक 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों, यस यहाँ लिख लेंगे क्या, कि कार्बन कैन नॉट होल्ड, तो ये स्टेटमेंट क्या होता था कि कार्बन कैन नॉट टेक 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, बिकॉज यस इट इज डिफिकल्ट फॉर 6 प्रोटॉन टू होल्ड
10 इलेक्ट्रॉन, तो C4 माइनस नहीं बन सकता है या कार्बन एनायन नहीं बन सकता है, C का पावर 4 माइनस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करे, क्लोरीन की तरह बिहेव करे और इलेक्ट्रॉन ले ले और आयन बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए ये वाला स्कीम तो फेल हो गया। चलिए काम करते हैं, अब इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं और फिर क्या चेंज आता है वो देखने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। कार्बन ये है भैया, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-4 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। कैसे भाई, देखिएगा इसके 4 इलेक्ट्रॉन, जिस तरह सोडियम में 281 था, नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनने के लिए, नियॉन जैसा बनने के लिए मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, वैसे ही कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है तो नियरेस्ट नोबल गैस मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक 6 है, या तो कार्बन के नियरेस्ट में ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, चूंकि बीचों बीच में है कार्बन यहाँ पर, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके हीलियम जैसा बनना चाहेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन जैसा बन सकता था, नियरेस्ट में तो यही है, यहाँ तो बन नहीं सकता है। अब भैया इन दोनों में से किसके पास जाएगा, मैंने ये वाला स्कीम तो फेल हो गया, हम लोग यहाँ कर रहे थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन ले करके 2-8 तो बन ही नहीं सकता, ये हमने फेल कर दिया है ना, ये स्कीम फेल हो गई है। अच्छा तो अब इसके तरफ चलते हैं भैया, क्या करेंगे इसको कार्बन से हीलियम जैसा बनने के लिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो क्या बच गया, C4 प्लस बन गया। अच्छा और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो देखिएगा ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्टेड होते हैं प्रोटॉन से, तो इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप समझिए कि ये प्रोटॉन है ना, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लोग रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन अंदर धंसा हुआ है, जब आप इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, हम इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर एकाध इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, 4-4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं भाई, देखिए तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट द 4 इलेक्ट्रॉन, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में लगने वाले ताकत को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आप ये समझिए कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, 6 प्रोटॉन उसको होल्ड करके रखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन को, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट द 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन एटम, सो दैट क्या होगा, तो आप एक लाइन में लिख लेंगे यहाँ पर कि इट कैन नॉट डोनेट, क्या होगा अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ C4 माइनस है और 4 इलेक्ट्रॉन को इसने डोनेट कर दिया है इस तरह से, तो यहाँ पर एक लाइन में लिख लेंगे क्या। चलिए ठीक है, यहाँ देखें हमने कि यहाँ पर इसके 4 इलेक्ट्रॉन को आप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि बहुत एनर्जी चाहिए, तब इसके पास ऑप्शन क्या है भैया, ऑक्टेट कैसे पूरा करें, ना अपने इलेक्ट्रॉन कोई कहीं से इलेक्ट्रॉन 4 ले सकता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और ना नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तब इसके पास ऑप्शन क्या है, बिल्कुल देखिए जब कोई ना दे सकता है और ना कोई इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तब उसके लिए हमारे यहाँ एक अलग तरह का बॉन्ड होता है, उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं और उस तरह से ये बॉन्ड बनाया करता है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाया करता है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय दिस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग करते हैं उसमें, और आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जहां पर कोई एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कोई दूसरा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी थोड़ा अलग होगी और कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग होगी। चलिए शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। एक लाइन में अगर मैं कहूँ आपसे तो क्या आयोनिक कंपाउंड डोनेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर है और एक डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे NaCl क्या है, NaCl इज आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट 1074, ये मेल्टिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, केल्विन में हुआ करता है, बहुत हाई होता है, आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखेंगे। और जैसे मैं अगर बात करूँ क्लोरोफॉर्म को मैं ले लेता हूँ, क्लोरोफॉर्म क्या है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, क्लोरोफॉर्म ये वही है जो पहले दिखाया जाता था फिल्मों में कि भाई किसी को बेहोश करने काम आता था, तो ये क्लोरोफॉर्म है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये लगभग 209 केल्विन हुआ करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है और कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। और भी डिफरेंस है, आयोनिक कंपाउंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल कोवेलेंट कंपाउंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। ये दोनों में डिफरेंस है, किसमें, किसी आयोनिक कंपाउंड में और
किसी कोवेलेंट कंपाउंड में। ये कुछ डिफरेंस है, कभी कभी आया करते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या क्या डिफरेंस है। नंबर वन ध्यान रखेंगे कि आयोनिक कंपाउंड आर फाउंड बाय द डोनेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कोवेलेंट कंपाउंड कहाँ से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। और कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है कंपेरेटिवली, है ना, उसके बहुत आधा से भी ज़्यादा होता है। और एक बात है कि आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट, पिघला करके या पानी में घुलाने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, चाहे तो पिघला करके न तो पानी में घुल करके, मतलब दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन एज वेल एज इन द मोल्टन स्टेट। ये बेसिक डिफरेंस है। चलिए, ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया कि किसी आयोनिक कंपाउंड में और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, बेसिक या मेन डिफरेंस क्या है। आगे चले समझने की कोशिश करते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे कैसे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, तो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है समझने की कोशिश करते हैं। इसको डाई हाइड्रोजन कहा जाता है, इसको डाई हाइड्रोजन कहा जाएगा क्योंकि H और H मिलकर के सब बनाए हैं। आपको याद होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हुआ करता है और इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन कितना होगा, 1 होगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो करेंगे, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देखिए किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है, हाइड्रोजन में 1 हुआ करते हैं। अब दो हाइड्रोजन केटम ऐसे ही मिल करके आपस में, एक ये मिल जाएगा और ये आपस में ऐसे मिल जाएगा, तो ये बनाएंगे क्या सर, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल, यहाँ पर H और H दोनों का ऑक्टेट पूरा नहीं है। देखिएगा, कोई भी एलिमेंट कंबाइन क्यों करेगा, अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए या ऑक्टेट। अब क्या पूरा करेगा, देखिएगा, जिसके पास में है एवरी एलिमेंट वांट टू अटेन द स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो नियरेस्ट कौन है इसके, हीलियम है, तो उसके जैसा बनना चाहेगा बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। वैसे ही जो 9, 10, 11 ये सब रहेंगे, मतलब जो नियॉन के आसपास वाले हैं एटॉमिक नंबर 10 के पास में रहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एनी हाउ या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके नियॉन जैसा बनना चाहेंगे, क्योंकि ये नोबल गैस, जितने भी एलिमेंट लिखे हैं मैंने, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इन सब के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसा देखा गया कि जिन एलिमेंट का कन्फिग्रेशन ऐसा हो जाता है, दे आर वेरी वेरी स्टेबल, दे आर नॉट रिएक्टिव। तो एनी हाउ इन सब एलिमेंट की हम सबकी इच्छा क्या है, हमारा सोशल स्टेटस अच्छा हो, पढ़ लिख करके अच्छे इंसान बन सकें, वैसे ही हर एलिमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि एनी हाउ डोनेशन से, डोनेटिंग, गेनिंग और बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट या ड्यूप्लेट। अब हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है तो कैसे करेगा, देखिए H और H, ये मैंने स्टार बनाए हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, अब देखिएगा करेंगे क्या, यस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपस में बॉन्डिंग करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में रहेगा, तो आप देखिएगा ये इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया और इधर से इनका ड्यूप्लेट पूरा हो गया, और आप यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, यस, अब आप इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, H और H। आप ऐसा ना लिख करके आप डायरेक्ट एक लाइन भी खींच सकते हैं, देखिएगा, तो ये लाइन ड्रा कर देंगे, इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर है और एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और इन दोनों H के बीच में एक लाइन खींची हुई है, ये लाइन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करती है, दैट इज टू इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस तरह से इस हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 1 इसका खुद का और एक शेयर्ड वाला, और यहाँ पर इस हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक शेयर्ड वाला। तो देखिएगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन के कि सेकंड के, अरे ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए हैं, दे आर काउंटेड फॉर बोथ। ऐसे समझिए जैसे कोई कॉस्टली पेन है और हम लोगों ने मिल के खरीद लिया है, है ना, दो लोगों ने मिलकर खरीदा है, राम और श्याम ने मिलकर खरीदा है, अब ये 100 रुपये का पेन है तो ये किधर रहेगा, देखिएगा तो ये हमारे, मैं और वो साथ में टेबल में बैठे हैं तो उस टेबल के बीच में रखाएगा ये, है ना, तो जब हमारा ज़रूरत होगा तो हम ले लेंगे, फिर वहीं रख देंगे, और फिर उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो लिख लेंगे और यहीं पर रख देंगे, मतलब दिस पेन इज कॉमन फॉर बोथ ऑफ अस। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के लिए कॉमन होंगे, और इस तरह के बॉन्डिंग को, H और H के बीच के बॉन्डिंग को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पर H और H के बीच में कैसा बॉन्ड बना है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने, एक, इसको सिंगल कोवेलेंट
बॉन्ड कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एच और एच के बीच में है। अच्छा, ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यस, मैं Cl2 के बारे में ले लेता हूँ एग्जांपल नंबर 2। Cl2 कैसे बनता है तो देखिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन क्या होगा, Cl का एटॉमिक नंबर 2, 8, 7। तो हाउ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, देखिए तो यस, यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ क्लोरीन के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। आप यहाँ पर डॉट ही बना सकते हैं, स्टार भी बना सकते हैं, लेकिन यार इसका ऑक्टेट तो पूरा नहीं है, तो ये नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनने के लिए, आर्गन जैसा बनने के लिए, इसको या तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करे या एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर ले, है ना। तो क्या होगा, शेयरिंग का मतलब होता है कॉमन हो जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्या करेंगे भैया, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को बुलाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बोलेंगे हम दोनों मिल करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा इसके बाद, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन एटम है ये, है ना। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूल के लिए बनाऊंगा तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ है H2 मॉलिक्यूल है ये, यहाँ पर एटम है, ये भी एटम है, दो एटम्स हैं, और ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है, ध्यान रखेंगे। इस समय यहाँ क्या बना रहा हूँ, दीज आर मॉलिक्यूल, और ये क्या है, ये तो एटम है, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अच्छा आगे चलते हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यस, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, कैसी दोस्ती होगी यार, देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका इलेक्ट्रॉन पेयर एक यहाँ और एक यहाँ, ध्यान से देखिए। तो अभी मैं इसको भूल जाइए, इधर देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें और इसके इतने, इसके 7 यहाँ मैंने ड्रा कर दिए। अच्छा अभी अपना ऑर्किड कैसे पूरा करेगा, तो आप सिंपली कुछ नहीं करना है, ऐसे बना लीजिए, यस, ये सर्कल बना करके हम इसको करना चाहते हैं कि इस क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 7 तो इसके ही थे, इसको शेयर्ड पेयर हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये जो बनाया है मैंने, ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर हैं, है ना। अच्छा उस क्लोरीन के लिए क्या होगा, अरे इसके पास तो कम हो गए, अरे नहीं नहीं इसने शेयर किया है, तो यहाँ से भी आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा देखिएगा इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसके लिए फर्स्ट के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, तो दोनों ही क्लोरीन एटम के ऑक्टेट पूरे हो गए, इसको क्लोरीन मॉलिक्यूल कहते हैं। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, देखिए तो यस, दैट इज Cl और Cl, यहाँ पर ये हो गया क्लोरीन एटम, और कैसा बॉन्ड है, बिल्कुल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ये, ऐसा बॉन्ड जो किसी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता हो उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो क्लोरीन को आप सिंपली इलेक्ट्रॉन डॉट बनाने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर आप Cl Cl को सिंपली ऐसे बना सकते हैं। ये तो बात हो गई Cl2 मॉलिक्यूल को, आप इसको लिखेंगे कैसे, तो आप इसको लिख सकते हैं H2 मॉलिक्यूल है ये कैसा मॉलिक्यूल है, H2 है, और ये Cl.Cl क्या है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये इट इज़ क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये क्या है, ये एटम्स हैं। अच्छा मैं आगे कुछ एग्जांपल लेता हूँ, देखिए ध्यान से, मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूँ O2 के लिए, इसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हुआ करता है, देखिए क्या होता है, बोलिए 8 हुआ करता है, इसका तो 17 होता है, और यहाँ पर क्या 17 इसका 17 होता है, यहाँ पर वो 8 होता है, यहाँ लिखता हूँ मैं 2 और 6, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब इसके एटम का बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, और यहाँ क्या बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या, ध्यान से देखेंगे कि जब मैं ऑक्सीजन को बनाता हूँ तो ऑक्सीजन तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा दोनों का ऑक्टेट पूरा नहीं है, दोनों को दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल यहाँ से इस तरह से, आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और उसके लिए तो इसका तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल इसके लिए आप ऐसे ही बना लें इस तरह से, देखिए तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, गिनिए तो सेकंड सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक नए तरह की बॉन्डिंग हो रही है कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाएगा एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने से, तो इन्होंने कहा भाई दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ध्यान से देखिए क्या कि आपने यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाया और इसका ऑक्टेट कैसे पूरा है, तो इसको सबको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आप कॉपी बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, ध्यान रखेंगे। एक मजे की बात देखिएगा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से दोनों के ऑक्टेट पूरे हो जा रहे हैं, और ओ के बीच में कैसे बॉन्ड बन रहा है, सिंगल है कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, यस दो एटम के बीच में दो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब इसको कहा जाएगा क्या सर, डबल
कोवेलेंट बॉन्ड। आप देखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि HH और O2 में से कौन से बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, तो देखिएगा डबल बॉन्ड होंगे तो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जब डबल बॉन्ड लगेंगे तो हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा और सिंगल बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा। तो देखिएगा O2 में O2OO के बीच में बॉन्डिंग, या इन दोनों में मैं कंपेयर करता हूँ तो इन दोनों में से कौन से बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो Cl2 का बॉन्ड कमजोर होगा और O2 का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। सर क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। चलिए ठीक है, ये तो मैं बात कर रहा हूं कि एक एटम से दूसरे एटम के बीच की बॉन्डिंग की बात मैं कर रहा हूं। चलिए ये तो बात हो गई कि बॉन्डिंग की। ऐसे ही देखिएगा, जब किसी दो एटम के बीच में वन कोवेलेंट बॉन्ड बनता हो उसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और टू एटम के बीच में सिंगल बन रहा है ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर टू एटम के बीच में दो दो बॉन्ड बन रहे हैं तो क्या कहलाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। दो एटम के बीच में अगर तीन कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, जनरली तीन से अधिक कोवेलेंट बॉन्ड किसी एटम के बीच में नहीं बनते हैं, है ना, शेयरिंग नहीं हो पाती है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मैक्सिमम हो सकती है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, उसमें समझ में आएगा आपको। उसके पहले आप अच्छे समझ लीजिए क्लास में बनाए यहाँ पर क्या है, ये एटम है कि मॉलिक्यूल है, बिल्कुल दे आर मॉलिक्यूल है, ये H2 Cl2 और O2। ये क्या है सर, ये सब के सब एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम, ये सब एटम है। अच्छा अच्छा, मैंने डाइहाइड्रोजन यहाँ पर लिख दिया है, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर यहाँ क्या है सर, यस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये, ऐसे यहाँ पर क्या लिखेंगे Cl2 मॉलिक्यूल है, ये क्या है हाइड्रोजन एटम है, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन एटम है। ऐसे आप इसके लिए भी लिख लेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल है और ये क्या है क्लोरीन एटम है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यस O2 है और ये क्या है O है। आप ध्यान रखिएगा एटमॉस्फेयर में एटम के फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ये आपस में शेयरिंग करके कंबाइंड हो जाता है और हमें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में ही मिलता है, कभी कभी तो ऑक्सीजन O3 भी बन जाता है जिसको हम लोग ओजोन कहते हैं। चलिए उसको हम लोग बाद में समझेंगे। कुछ ये हमने जो बनाया है कंपाउंड, इसमें केवल अपने ही टाइप के एटम से मिल करके इन्होंने मॉलिक्यूल बना लिया है, यहाँ पर सेम काइंड ऑफ एटम आपस में मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाए हैं, है ना, इसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं, द मॉलिक्यूल विच इज़ फॉर्म्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। चलिए अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ H2O, ये एक मॉलिक्यूल है H2O, क्या है सर ये मॉलिक्यूल है, जो इंडिपेंडेंट स्टेट में मिलते हैं उनको मॉलिक्यूल कहा जाएगा। अब इसमें एटम कौन कौन से हैं देखिएगा, हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर यहाँ 1 होता है, ऑक्सीजन है ये क्या होगा 2 और 6 होगा, एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा हाइड्रोजन को मैं यहाँ ले लेता हूँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा ऑक्सीजन में तो कितने एटम होते हैं, देखिए तो 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे बना देता हूँ। ऑक्टेट कैसे पूरा करेंगे देखिएगा, तो हाइड्रोजन को तो अब नियरेस्ट नोबल गैस कौन है इसके, हीलियम है, और ऑक्सीजन के नियरेस्ट में कौन है, नियॉन है, तो ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा और हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करना चाहेगा, तो क्या करेगा ये इस तरह से बनाता है, ये अपना ड्यूप्लेट पूरा हो गया, इनका भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया, अब ऑक्सीजन का तो ड्यूप्लेट नहीं हो पाया ऑक्टेट पूरा, इन दोनों का तो पूरा होगा, तो ये क्या करेंगे बिल्कुल ये यहाँ से इस तरह से लेगा और इसको इसको क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसका सर, यस इट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। कैसे बनेगा, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से O रखें, यहाँ पर इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को ऐसे बना लें और यहाँ पर इन दोनों के बॉन्डिंग को ऐसे बना लें, आप ध्यान रखेंगे दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम रहेगा। अब आप देखिएगा ध्यान से, ये H2O मॉलिक्यूल है, आप इसको बेंड भी बना सकते हैं, सीधा भी बना सकते हैं, आप इसको मोड़ के भी बना सकते हैं, बेंड ऐसे मैंने बनाया है थोड़ा मोड़ा हुआ, और सीधा भी बना सकते हैं। एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, O और H के बीच में कैसा बॉन्ड है, यस O और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है स्टूडेंट्स, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे इसमें, यस टोटल 2 कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन दो एटम के बीच में कैसे बॉन्ड है, सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड वाला ही ये कहलाएगा। चलिए आगे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट N2 का लेता हूँ, N2 मॉलिक्यूल का ले लेता हूँ। N2 मॉलिक्यूल के बारे में जल्दी से बताइए, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7,
बोलिए टू, और यहाँ क्या हो जाएगा फाइव। इसका डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है बोलिए फटाफट, वन टू थ्री फोर फाइव। देखिए डॉट को आप आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ चाहे वहाँ बना सकते हैं, लेकिन शेयरिंग के लिए इसको सामने बनाइएगा तो इसको थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगी। वन टू थ्री फोर फाइव डॉट बनाइए या स्टार बनाइए, अब इन दोनों को मैं बॉन्डिंग, वन टू थ्री फोर फाइव इलेक्ट्रॉन है इसको, हाउ मनी इलेक्ट्रॉन मोर रिक्वायर, यस इसको थ्री और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाएगा, है ना, इसको थ्री इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी, थ्री और मिल जाएंगे तो थ्री प्लस थ्री सिक्स, और टू इसके पास पहले से है, तब ये थ्री इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और इस तरह से आप बना सकते हैं इसको, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। कुछ लोग इसको ऐसे भी बनाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, देखिएगा इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, और आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ क्या करेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, है ना, आप समझिएगा यहाँ पर जो लाइन बनी है ये दोनों के बीच के इलेक्ट्रॉन को शो करती है। लेकिन ध्यान रखेंगे एक बात, ये तरीका गलत है, ये केमिस्ट्री में आप ना करें, ये तरीका गलत है, आप इसको अवॉइड करें, मतलब डॉट बना करके लाइन ना खींचे, प्लीज़ इट इज़ रॉन्ग वे, आप ऐसा करने की कोशिश ना करें, अवॉइड करें, ये तरीका गलत है इलेक्ट्रॉन पेयर को शो करने का, बॉन्डिंग को शो करने का, तो इसको आप ना करें। मैंने इसको इसलिए बनाया है कि आपको ये दिमाग में पहचान में आ जाए कि गलत क्या है और सही क्या है बेटा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सही तरीका है, या तो आप लाइन बनाएं उसमें सर्कल बना दें, या तो इस तरह का लाइन खींचिए, डॉट और लाइन दोनों साथ में ना बनाएं, उसका मतलब बदल जाता है, उसका मतलब डॉट भी है और लाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर भी, एक लाइन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ध्यान रखना है, एक लाइन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ पर डॉट बनाओ चाहे ना बनाओ, एक लाइन बनी है मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन जरूर हैं। चलिए फर्स्ट नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, सेकेंड का करना है तो क्या करेंगे, यस थ्री इलेक्ट्रॉन इसने इसको शेयर किया है तो तीन इसका भी होगा, दोनों ही सर्कल में एट इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो ध्यान से देखिए N और N के बीच में कैसी बॉन्डिंग है पहचानिए, यस चाहे तो इसको बनाए चाहे ना बनाए, यहां पर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वन टू थ्री, देखिएगा वन टू थ्री, यहां पर कैसा बॉन्ड है ये, इसको आप ध्यान रखेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं इसको, एन एन के बीच में, इसको एन टू मॉलिक्यूल कहते हैं। अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि एन टू मॉलिक्यूल को चिप्स के पैकेट में क्यों फिल किया जाता है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्डिंग है, और जब दो बॉन्ड होते हैं, जब सिंगल बॉन्ड होते हैं थोड़ा सा कमजोर होता है, डबल बॉन्ड और मजबूत होता है, और अगर मैं तीन बॉन्ड ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो बहुत ही मजबूत होते हैं, तो देखिएगा इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा, तो एन और एन को अलग करना मुश्किल होगा, इसलिए N किसी और से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो N2 इज वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड यूज टू फिल इन द चिप्स पैकेट। कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए मैंने ले लिया NH3, इसको इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है, इसका नाम है देखिएगा अमोनिया मॉलिक्यूल, और फर्टिलाइजर के रूप में बहुत यूज होता है, प्लांट इसको बहुत यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, अमोनिया मॉलिक्यूल कहा जाता है इसको, और नाइट्रोजन के फॉर्म में प्लांट N2 को यूज़ नहीं करते हैं, दे यूज़ इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो आप देखिएगा ये सब मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, अमोनिया में कैसे करेंगे। देखिए तो यहाँ पर दो तरह के एटम हैं, देखिए नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है सेवन, और इसका वन होता है, तो टू और फाइव इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने पड़ेंगे तब इसका हो पाएगा एट, और इसको वन इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा शेयर। तो देखिए ध्यान से क्या करेगा, मैं ऐसा करता हूँ बीच में नाइट्रोजन बनाता हूँ, वन टू थ्री, और यहाँ पर लोन पेयर बना देता हूँ या एक्स्ट्रा जो बचेगा पेयर, और हाइड्रोजन को मैं इस तरह का इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। ध्यान से देखिएगा आप आगे पीछे ऊपर नीचे, मैंने अगल बगल बनाया तीन साइड में, आप इसको ऊपर भी बना सकते हैं जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे, आप इसको प्रॉपर शेप में कहीं भी बना सकते हैं, है ना, हालांकि इसका थ्री डायमेंशनल शेप होता है लेकिन वो अभी टेंथ में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बाद में पढ़ेंगे इसको। तो चलिए ठीक, देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर इसका एक इस तरह से बॉन्ड बनेगा, तो ड्यूप्लेट पूरा हो गया, मैं हाइड्रोजन को पहले पूरा कर देता हूँ जो कम लेता है भाई, और इसका इस तरह से ड्यूप्लेट पूरा हो गया, दोनों तीनों हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, हीलियम जैसे बन गए, दे आर स्टेबल नाउ, वेरी हैप्पी बन गए दे। अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कैसे होगा, चलिए बड़ा सा गोला बनाइए आप लोग, यस जल्दी पहचानिए, ओके ओके, इस मॉलिक्यूल को अगर आप यहाँ पर बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ बॉन्ड, ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ, दो
और यहाँ पर क्या बनाएंगे, तीन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है अमोनिया का। और आप ध्यान से देखिएगा कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है कि नहीं, बड़े वाले गोले में गिनिए कितने इलेक्ट्रॉन है, तो गिनिए, देर आर यस 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इन द नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा है। तो देखिएगा इसमें एन और एच के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल है, यस यहाँ पर एन और एच के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन कुल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो तीन कोवेलेंट बॉन्ड हैं इसमें। लेकिन टाइप ऑफ बॉन्ड अगर पूछेगा तो टाइप कैसे है, सिंगल है कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड है कि ट्रिपल है, तो आप एग्जांपल में क्या बोलेंगे, यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एन एंड एच ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एन एंड एन। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, चलिए CO2 को लेते हैं, तो यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये CO2 मॉलिक्यूल है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल दैट इज 2 and 6। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CO2 मॉलिक्यूल है, ये कार्बन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है, चलिए दोनों के इलेक्ट्रॉन को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, इसका मतलब कार्बन का एक और ऑक्सीजन के दो, मैं कार्बन को बीच में बनाता हूँ और ऑक्सीजन को दोनों को साइड साइड में बना देता हूँ। तो देखिएगा ऑक्सीजन को मैंने ऐसे बना दिया 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहाँ पर 6 बना दिए दोनों में, है ना। और कार्बन के कितने बने हैं, एक ही चाहिए हमारे पास, तो मैंने एक बनाए हैं, और कार्बन में होते कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, यस ऑफ कोर्स 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब शेयरिंग कैसे करना है, तो देखिएगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करवा देते हैं, तो देखिएगा आप ध्यान से, वेरी गुड, आई थिंक क्या बना, देखिए तो इसमें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यस 6 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इसके और 2 इसके, और इस ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, ये भी शेयर कर लेगा भैया, तो ऑक्टेट दोनों के कंप्लीट हो गए, दोनों ऑक्सीजन बिकम क्वाइट हैप्पी। ओके कार्बन बेचारा इलेक्ट्रॉन शेयर करके फंस गया है, तो क्या करेगा, अभी तो इसका कुछ ऑक्टेट ही नहीं हुआ है पूरा, तो एक बड़ा सा गोला बनाइए, आप जितने इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है उतना इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, तो देखिएगा आप इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, यस CO2 बन गया, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया CO2 का। और अब आप इसको कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ बनाइए, C और ऑक्सीजन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोलिए दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो मैं दो बॉन्ड बनाऊंगा, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो दो बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर देखिए CO2 मॉलिक्यूल में इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए CH4 का एग्जांपल है, यस ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और क्या बनेगा 2 4 जैसे मैंने ऊपर बनाया है, ये मीथेन कहते हैं, बायोगैस में फ्यूल में के फॉर्म में यूज होता है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आप कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो जो कम होता है हमेशा वो सेंट्रल एटम कहलाता है, और यहाँ बनाइए तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, किसी भी कलर में बना सकते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर मैं डॉट बना देता हूँ, यहाँ पर डॉट, मुझे तो 4 4 हाइड्रोजन चाहिए भाई, क्यों सर, अरे ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, शेयरिंग करवाने के लिए, जल्दी बोलिए, पहले मैं छोटे वाले का ऑक्टेट ड्यूप्लेट पूरा करता हूँ, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा, इसका कैसे पूरा होगा, दो दो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे और इस तरह से इनका भी ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा। ये तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट कैसे कम्प्लीट होगा, देखिए तो यस हमको तो एनी हाउ 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन को चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो आप देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 1 2 3 4 यहाँ बॉन्डिंग बना, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 3 और 4 इस तरह से कार्बन के चारों तरफ हमने हाइड्रोजन लगा दिए। अब आपको सोच करके बताना है, मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है आपके लिए, क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, बताइए क्या होगा, मैंने क्वेश्चन लिखा है कि हाउ मनी टोटल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द मीथेन मॉलिक्यूल, इसको मीथेन कहते हैं, इसका नाम हम बाद में समझेंगे, लेकिन इसको मीथेन कहते हैं, मेथ माने एक कार्बन है और मीथेन, खैर नाम से कोई मतलब नहीं है, नाम जो भी हो इसका, CH4 कहते हैं इसको, तो आपको बताना है CH4 में कुल कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, आपको यहाँ लिखे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कुल कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर इससे रिलेटेड, एक कुछ और एग्जांपल लेते हैं, S8 का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, सल्फर का S8, इसको ऑक्टा एटॉमिक कहते हैं, सल्फर मॉलिक्यूल है ये और ऑक्टा एटॉमिक होता है, सल्फर एटॉमिक नंबर हुआ करता है कितना, यस जो अगले साल आपकी उम्र हो जाएगी 16 वही होता है इसका। अब एक ध्यान से देखिएगा क्या होगा बेटा, 2 8 6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा, 2 8 6 अभी किसके जैसा बनना चाहेगा, यस ये नियॉन जैसा कि आर्गन जैसा, बिल्कुल आर्गन जैसा, बाई शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन इसको
एटी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, सल्फर का ऑक्टेट पूरा करने के लिए मैं सोच रहा था यार, लेकिन यहाँ मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है सर? देखिए ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यार S8 को कैसे अरेंज किया जाए किसी रिंग में? सिंपल तरीका, ध्यान से देखिएगा, S8 कैसे बनाएंगे, उसके लिए सल्फर में ऑक्टेट पूरा हो जाए और रिंग भी जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये आपके लिए हिंट है। कैसे सर? देखिएगा, यहाँ मैंने एक सल्फर बनाया है और यहाँ पर भी मैं एक बनाता हूँ इस तरह से। कैसे बनाएंगे सर? यस बिल्कुल, यहाँ बनाता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ बना दिया, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर बना देते हैं इस तरह से। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यहाँ क्या बना देंगे 7 और 8। आप देखिएगा तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, हमारे 8 सल्फर बन गए हैं। अब सबको 6-6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मैंने 2 ही बनाए हैं, चलिए बनाइए फटाफट। यस, आप डॉट को ऐसे लगाइए कि आपको पेयरिंग करने में थोड़ा आसानी रहे, अगल बगल लगा दीजिए। मैंने एक इधर लगाया है, आपसे मैंने कहा था कि डॉट को किसी भी जगह कहीं भी लगा सकते हो, बस आप ऐसे बनाइए कि वहाँ पर आपको पेयरिंग कराने में थोड़ा आसानी हो, समझ में आए कि आसानी से आप कैसे कैसे पेयर बनाएंगे। तो मैंने एक इधर रखा है जिससे इसका पेयर हो सके। यहाँ पर 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सब में 6-6 होने चाहिए। ध्यान रखेंगे किसी भी सल्फर में 6 से ज़्यादा ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। चलिए सबका ऑक्टेट पूरा करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ शुरू करता हूँ, तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा ये बोलो यार। यस, फर्स्ट सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट, सेकेंड सल्फर का ऑक्टेट इस तरह से जाएगा। ओके, सोचते रहिए फटाफट, आप लोग भी सोचिए। यस, जितना गोला मैं बना रहा हूँ सब में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ऐसे आप खुद से अपने से बनाने की कोशिश करिए। बोलिए बोलिए कैसे बनाएंगे, इस सल्फर का कैसे पूरा हो पाएगा? तो देखिएगा, मैंने ऐसे बनाया इस तरह से, इनका कैसे पूरा हो पाएगा? तो ये क्या करेंगे, ये इस तरह से बनाएंगे अपने सल्फर में। एक बार इसको चेक जरूर कर लीजिएगा कि ये सही बन रहा है कि कहीं कुछ छूट रहा है भाई, है ना। कुछ गलतियां भी हो सकती है, हमसे भी हो जाती है कभी कभी, छूट जाता है, और ये इस तरह से मिल जाएगा। आप एक बार चेक कर लेंगे इसको बनाने के बाद। यहाँ पर मैं इसे बना रहा हूँ, ये थोड़ा बड़ा ही बन जा रहा है यार, इसको थोड़ा खूबसूरत तरीके से बनाइएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। आप देखिएगा ये क्या हो गया सर, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, देखिए मत इसको इतना ध्यान से, देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन से डॉट बना करके ऐसे ही इतना ऐसा गोला बनाइएगा सल्फर के अराउंड, हर सल्फर के अराउंड एक ऐसा सर्कल जैसा स्ट्रक्चर बनाइएगा जिसमें ये शो हो सके कि उस डब्बे में, उस सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए, ये तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर के लिए है, S8 है ना। सल्फर कई तरह के होते हैं, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ सल्फर है और सल्फर पटाखों में यूज होता है। देखिएगा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पर यूज यही सबसे ज़्यादा है और ये बहुत सारे केमिकल को बनाने में यूज होता है सल्फर। आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप यहाँ पर ड्रा करते हैं कैसे जाएगा। देखिए, मैंने 2s को आपको बनाना है, सिंपल से 2s को यहाँ बनाइए और 2s को थोड़ा दूर दूर बनाइए। देखिए, इस तरह से बनाइए आप, 2, 2, 2, 6 हो गए और हमारे पास 2 और बनाने हैं। तो मैं इसको बनाता हूँ इस तरह से। कैसे बनाएंगे सर? देखिए, इनके बीच में बॉन्डिंग, यहाँ बॉन्डिंग, बिल्कुल S2 हो गया। हालांकि S2 भी होता है, लेकिन सल्फर का S2 फॉर्म जो होता है ये S2, ये केवल वेपर फेज में ही होता है ना। वेपर फेज का मतलब समझते होंगे आप लोग, है ना, मतलब सल्फर को बहुत हीट करने पर जो बनता है वो वेपर फेज बनता है, उसको S2 कहते हैं। उसमें इसका बॉन्डिंग कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है ना। S2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जैसे O2 का होता है, वैसे ही होता है। लेकिन S2 के बारे में मैंने पूछा नहीं है, मैंने तो आपसे S8 के बारे में पूछा है, बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। तो क्या करेंगे, S8 की बात करते हैं भैया, तो क्या करेगा, यही बॉन्ड टूट करके इसको ऐसे जोड़ दीजिए, बस इसको यहाँ से जोड़ना है, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, ये बन गया फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिएगा, ये सल्फर का S8 और ये क्या है सर, ये मॉलिक्यूल है। चलिए, आज हमने क्या सीखा कि कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कई तरह के कंपाउंड ये बना सकता है, इसीलिए कार्बन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। बाकी एलिमेंट में इतनी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, कार्बन की कुछ और स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। हमने आज स्पेशल क्या पढ़ा, हमने ये स्पेशल पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या हैं और किस तरह से कोई एलिमेंट ऑक्टेट को पूरा करने के चक्कर में या ड्यूप्लेट को पूरा करने के चक्कर में अपना इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड बनाया करता है। चलिए, ऐसे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।